काज नगरी आगरा में बलकेश्वर के 9 वर्ष पुराने चर्चित नीलम शर्मा हत्याकांड में दोषियों को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस हत्या का सुराग घर में 28 साल से रह रहे तोते ने दिया था। नीलम शर्मा के उनके सगे भांजे आशु उर्फ आशुतोष ने मित्र रोनी मेसी के साथ मिलकर लूटपाट के दौरान हत्या कर दी थी। घटना 20 फरवरी 2014 की है। गंगे गौरीबाग बलकेश्वर निवासी की विजय शर्मा पुत्री निवेदिता और पुत्र अजय के साथ फिरोजाबाद गए थे। घर में पत्नी नीलम शर्मा, वृद्ध पिता आनंद शर्मा थे। आधी रात वे लौटे तो नीलम की हत्या और लूटपाट का पता चला। उनकी धारदार हथियार से ताबड़तोड़ प्रहार कर के हत्या की थी। आरोपियों ने नीलम शर्मा के पालतू कुत्ते टफी को मार दिया गया था। पुलिस ने 25 फरवरी 2014 को ही हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया था। जैसा कि आपके सामने एक जजमेंट है और इस जजमेंट से समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया जाता है कि कोई भी अपराधी, कितना भी शातिर, कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कानून की जद में ही है, कानून की हद में ही है और बचने के लिए प्रयास भले ही करता रहे लेकिन बच नहीं सकता। इस मुकदमे में बहुत ही अहम साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए। अभियोजन ने पूरी मेहनत से उन साक्ष्यों को साबित कराया। वादी मुकदमा, उसकी पुत्री, इन सबके भी साक्ष्य हुए और साक्ष्य से सूक्ष्म साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़कर जब हम लोग इस मामले के निस्तारण में आगे बढ़े तो न्यायालय ने भी अपना काम किया और अभियोजन के साक्ष्यों को बहुत गहनता से पढ़ा, देखा, जाना और जजमेंट दिया। इस जजमेंट से निश्चित ही समाज में न्याय की ओर आस्था बढ़ेगी, न्यायिक प्रक्रिया की ओर लोगों की प्रबल आस्था का जन्म होगा, आस्था उन्नत रहेगी। यही मेरा मैसेज। ओके, आपका परिचय? मैं मनीष, अभियोजन अधिकारी। मनीष जी, इस मामले में बहुत अच्छा सवाल किया है। इस घटना की एक विशेष बात है जो बतानी है कि जो मृतका थी और जो वादी मुकदमा है, उनके एकमात्र पुत्र था जो मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उसने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की और एक अनसाउंड माइंड की तरह उसका ट्रीटमेंट फॉलो करते थे। इस अभियुक्त को अपने पुत्र की तरह वो मानते थे और उसको अपने पास रख के उसको पढ़ाया लिखाया भी था। इसकी कुछ आदतों से वो नाराज हो रहे थे और इसको उन्होंने कहा था कि अब तुम अपना अलग रहो। उसके बाद से अलग रहने के दौरान, क्योंकि ये घर पे आता जाता था, इसे घर की सारी जेवरात और नकदी के बारे में जानकारी थी। एक रात 21 फरवरी 2014 को जब परिवार के अन्य सदस्य फिरोजाबाद शादी में गए थे, उस दौरान इस सूचना पर ये घटनास्थल पर पहुँचता है और मृतका नीलम की हत्या करके सोने चांदी के जेवरात और रुपए लूट ले जाता है। तो अभियुक्त द्वारा ये घटना सोने चांदी के जेवरात और रुपयों को लूटने के लिए की गई थी। लेकिन उस साथ कुत्ता एक स्वामी भक्त होता है। यदि मालिक पर हमला होता है तो किसी भी हमलावर पर वह प्रतिरोध करता है और उस प्रतिरोध के दौरान आशुतोष गोस्वामी को चोटें भी आई थी। सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को मारा जिससे कि वो नीलम की हत्या करके लूटपाट कर सर बताएं। मैं महेंद्र कुमार दीक्षित, संयुक्त निदेशक अभियोजन। आप लोगों को बड़े हर्ष के साथ ये अवगत कराना चाहता हूँ कि एक अज्ञात मामले में पंजीकृत प्राथमिकी में, जिसमें सिर्फ परिस्थिति जन्य साक्ष्य था और अंतिम बार देखे जाने भर का साक्ष्य मौजूद था, उसके आधार पर हमारे विद्वान अभियोजकों श्री जयनारायण गुप्ता, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी व प्रोन्नत संयुक्त निदेशक अभियोजन आगरा, मनीष कुमार अभियोजन अधिकारी व श्री आदर्श सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा थाना न्यू आगरा के मुकदमा प्राप्त संख्या 122/2014, विशेष वाद संख्या 182/2014, जो माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश 10 प्रभावित क्षेत्र अधिनियम न्यायालय कक्ष संख्या 3 जनपद आगरा द्वारा विचारित किया गया, में अभियुक्तों आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशु
पुत्र गोपाल शरण गोस्वामी निवासी 33 लक्ष्मण नगर अर्जुन नगर कोहली नर्सिंग होम के पास थाना शाहगंज आगरा व रीना मैसी पुत्र रॉबर्ट मैसी निवासी 33 लक्ष्मण नगर अर्जुन नगर कोहली नर्सिंग होम के पास थाना शाहगंज आगरा को धारा 394 302 429 411 भादावी के अभियोग में आजीवन कारावास की से दोष सिद्ध कराए जाने की उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। कितने साल बाद ये फैसला आया है? ये फैसला जो है सन 2014 का मामला था और ये घटना जो है घटित हुई थी 21 फरवरी 2014 को। इस प्रकार ये इस फैसले को लगभग 9 साल बाद निर्णित किया गया है, लेकिन इतना समय लगा किंतु हमारे निर्देशन में जो हमारी अभियोजन की टीम ने सफलता पाई है वो बहुत ही उल्लेखनीय सफलता है। उल्लेखनीय सफलता इसलिए कही जाएगी कि इस प्रकरण में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य था उसकी कड़ियाँ इतनी सूक्ष्म थी कि वो कुशल अभियोजन द्वारा ही जोड़ कर न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती थी। तो इसलिए इन अभियोजकों ने जो कार्य न्यायालय में इन्होंने कड़ियाँ पर कड़ियाँ जोड़कर अभियुक्तों को सजा दिलाए जाने पर निर्णय आजीवन कारावास के दंड से दोष सिद्ध करके अभियुक्तों को सुनाया गया है, उससे समाज में यह संदेश गया है कि अपराधी चाहे जितना पूर्व नियोजित होकर अपराध करे कि मैं अपराध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं छोड़ूंगा और इस मस्तिष्क से योजना बना कार्य करता है कि मैं अपराध तो करूंगा लेकिन साक्ष्य नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वह अगर अपराध करता है तो उसको जरूर ही दंडित कराया जा सकता है और अपराधी कितना भी शातिर क्यों हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कानून की नज़रों से बच नहीं सकता है। तो इसलिए यह 2014 की रात की है, इसमें वादी विजय शर्मा जी हैं जिनकी पत्नी और उनके पालतू कुत्ते का निर्मम हत्या की गई और बाद में विवेचना से हत्यारा जो है उनका भांजा आशुतोष गोस्वामी और उसका दोस्त रोनी मौसी पाए गए, जिनका ट्रायल हुआ और ट्रायल के दौरान अभियोजन के साक्ष्य विश्वास करके न्यायालय द्वारा उन्हें दंडित किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो गवाह थे, एक तो विजय शर्मा जो वादी मुकदमा है और लोकेश शर्मा ने इन दोनों मुल्यमानों को विजय शर्मा के घर की तरफ जाते हुए घर पे जाते हुए एक स्कूटर में देखा था और घटना के बाद कुछ देर बाद जब ये निकले हैं तब हरेश पचौरी ने इन दोनों को उसी स्कूटर में उस घर से निकलते हुए देखा। ये सब लास्ट सीन विटनेस थे कि कैसे कोई जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी ऐसे मामले में। और सुनील शर्मा इसमें गवाह है, बहुत महत्वपूर्ण गवाह। जब डेड बॉडी दूसरे दिन बाहर रखी गई तो स्वाभाविक है कि परिचित तो तमाम लोग आते हैं मृतक के यहाँ। उस दौरान सुनील शर्मा द्वारा इनके भांजा जो आशुतोष गोस्वामी है, मुख्य मुलजिम है, इसके शरीर में चोटें देखी गई ड्यूरिंग ट्रायल, इस व्यक्ति ने बताया। और उसके बाद से आशुतोष गोस्वामी नदारद हो गया, वो भाग गया, उनके घर नहीं आया। इस पे आशुतोष गोस्वामी पे पुलिस का और उसके परिवारजनों का शक गया और 25-2-2014 को आशुतोष गोस्वामी रोनी मैसी के साथ उसी स्कूटर पर पकड़ा गया और उससे घर के जो जेवरात और रुपये थे, जो लूटा गया था सामान, उस रिकवर हुआ। इसके आधार पर पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन की ओर बढ़ी और उसे जिस चीज़ से आला कतर था, कटार जो थी, वो भी आशुतोष गोस्वामी उन दोनों की निशानदेही पे बरामद हुई। अब क्या फैसला हुआ इसमें? और इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दोनों अभियुक्तों को दंडित किया गया है। प्रोसिक्यूशन ने जो अब एविडेंस लीड की है उस एविडेंस पर विश्वास किया है। डिफेंस के द्वारा प्रस्तुत किया गया बचाव पक्ष गवाह को रिलाई नहीं किया गया, न्यायालय द्वारा माना नहीं गया। और इसमें मुख्य रूप से फॉरेंसिक को भी गई थी
चीज़ें, मगर फोरेंसिक में कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। तो जो आई विटनेस कोई था नहीं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और लास्ट सीन विटनेस के आधार पे मामले में दोषी दे की गई और इस आधार पे आजीवन कारावास के दंड से दोनों दंडित किया गया। और ये नरसंहार हत्या थी और हत्यारा उनका सगा भांजा था मृतका का। इससे और यह है कि जहाँ पे लोगों का थोड़ा विश्वास ज्यादा होता है आपस के। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।